अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक हैं। अच्छा जी, ये बाजी के घर मेरी सेकंड मॉर्निंग थी और हम नाश्ता कर रहे थे, तो मेरे बहनोई इतने अच्छे और बड़े ये लेमन लेकर आए, तो मैंने मुझे लगा कि जैसे सेब लेकर आ गए, तो मैंने देखा दिखाए मुझे इतने बड़े बड़े सेब, और अभी भी ये छोटा नज़र आ रहा है, ये काफ़ी बड़ा था और इसमें ना रस भी बहुत ज़्यादा है। वो कह रहे हैं आजकल आई इस तरह के रहे हैं, तो मैंने कहा चलो अच्छा है। कभी ऐसा होता है ना कि बिल्कुल ही वो ऐसे लेमन आते हैं कि उसमें रस ही नहीं होता। तो खैर एनीवे, ये नाश्ता कर लिया था और ये फिर शाम का मंज़र है, इतने अच्छे। उन दिनों में बारिशें हो रही थी ना जब मैं रहने गई हुई थी, तो बारिशें खूब हो रही थी और शाम को तो ये आसमान इतना अच्छा लग रहा था, ब्लू और वाइट बादल, और इतना खूबसूरत ये समा लग रहा था ना। सावन भादों तो आपको पता है कि वैसे तो बड़े रोमांटिक मौसम है और बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन गर्मी के लिहाज से फिर ज़ाहिर है आपको पसीना भी आता है। तो अच्छा जी, ये बाजी के घर में ना लगी हुई है मनी प्लांट, तो ये इतना खूबसूरत है, माशाल्लाह माशाल्लाह आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। तो बल्कि मुझे बाजी कह रही थी कि ये किसी किसी के घर में सर्वाइव करता है, तो और इसके बारे में ये भी मिथ है ना कि जिसके घर में ये होता है तो उसके घर में फिर ये है कि दौलत बहुत आती है। तो अब ये तो बाजी से ही पूछना पड़ेगा, वैसे अल्लाह का शुक्र है तो होता है शायद, ये मैंने भी सुना है कि दौलत आती है अगर आपके घर में मनी प्लांट हो तो। अच्छा जी, शाम को फिर मेरी जो भांजी है उसने कहा कि वो केक बनाएगी, तो उसने केक बनाया और बहुत मज़े का केक था। मैं कहती हूँ बच्चियों को ऐसे शौक़ होने चाहिए कि बेकिंग का, कुकिंग का, मतलब हर लिहाज से। मैं कहती हूँ कि लड़कियों को हर चीज़ आनी चाहिए, बस अब ज़ाहिर है चले पढ़ाई भी बच्चियाँ करती हैं माशाल्लाह। ये मेरी जो भांजी है इसने अभी एफएससी के पेपर दिए हैं और अब देखें, अब माशाल्लाह बेकिंग भी करती है, कुकिंग भी करती है, तो हर लिहाज से मतलब बच्चियों को काम आना चाहिए। तो बड़ा अच्छा इसने ये डेकोरेट किया और बड़ा मज़े का ये बना था। ये देखें, उसने इसकी लेयरिंग ऊपर की, मैंगो केक बनाया था और बस हमने समोसे मंगवा लिए थे और इंजॉय कर लिया था। बड़ा मज़ा आया बाजी के घर में, मैं काफ़ी दिनों बाद गई थी, अभी जब मेरे भांजे की शादी थी नवंबर में आई थिंक मैं उनके घर रहने के लिए गई थी। अच्छा, फिर शाम का फिर ऐसा सीन हुआ कि बाजी ने पूछा कि क्या खाना है, क्या पकाएं, तो फिर मैंने कहा चलें भिंडी गोश्त बना लेते हैं। भांजी ने भी कहा कि भिंडी गोश्त बना लेते हैं, मेरा अरवी का मूड था लेकिन फिर मैंने कहा चलो ये भी अच्छा है। तो बड़ा मज़ेदार उसने ना चिकन और भिंडी उसने बनाई और बस रात को हम लोगों ने ये इंजॉय की। और फिर नेक्स्ट डे ये था कि मेरा वापसी का प्लान था कि बस अब मैं वापस आ जाऊं, क्योंकि पीछे से भी मुझे काफ़ी फ़ोन आ रहे थे मेरे हस्बैंड के कि बस आ जाओ, मैसेजेस रोज़ के कब आओगे, हालांकि मैं 2-3 दिन रही हूँ सिर्फ। तो फिर ये उस नेक्स्ट मॉर्निंग है ट्यूसडे की और लाइट नहीं थी किचन में, इसलिए आपको थोड़ा अंधेरा अंधेरा लग रहा है। तो नान कुलचे मंगवा लिए थे, कुलचे फिर बाजी ने सेके बड़े मज़ेदार, और बस उसके बाद घर आना हो ना तो यही बस फिक्र लगी रहती है कि अभी जाना है जाना है। तो और जिस दिन रहना हो तो उस दिन तो ज़ाहिर है फिर बंदा रिलैक्स ही होता है। तो खैर हम लोगों ने फिर ये नाश्ता किया, फिर मैं आ गई जी घर। घर आ गई तो बेटे ने बैट ऑर्डर किया हुआ था, आ चुका था उसका भी, तो वो बड़ा एक्साइटेड था कि अम्मी बस घर चलते हैं तो फिर मैं देख लूँगा कि बैट उसका आया हुआ था। तो बस ये था मेरा व्लॉग बाजी के घर का। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और फिर मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ये देखें ये काम हो रहा है बैट का, और इतना हैवी बैट उसने मंगवा लिया था, लेकिन बच्चों के शौक हैं क्या करें, पूरे भी करने हैं। तो चलें जी, फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।